गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम का सो गाइज so यहाँ पर पूना में आ गए हम लोग और पूना में एक्चुअली हम लोग सुबह सुबह पहुँचे थे मतलब चार या साढ़े चार बजे और उसके बाद हम लोग सो गए थे डायरेक्ट इतने ज्यादा थके हुए थे ना कि आपको क्या बताओ मतलब बस सोने के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था इस वजह से सो गए थे उसके बाद हम लोग सुबह उठे तो सुबह हमारे जाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे बस भाई जा रहा है ड्यूटी पे उसके और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे एक्चुअली वो हमारे साथ नहीं आ रहा था उसकी वाइफ ही आ रही थी हमारे साथ क्योंकि घर पे वो प्रोग्राम था इसी वजह से घर पे प्रोग्राम किस चीज़ का था वो भी आपको बता दूँ घर पे पहले संक्रांत थी भाभी की वो था प्रोग्राम और उसके बाद भंडारा था खेत में वो प्रोग्राम था इसी वजह से कल्याणी हमारे साथ आ रही थी एक्चुअली उसको जॉब पे छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा छुट्टी ले ली थी इसी वजह से यहाँ पर वो अकेला ही रहने वाला था और हम सब जाने वाले थे फाइनली सबका नहाना खाना हो जाने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने अपने घर जाने के लिए एक्चुअली इतने सारे लोग थे ना तो आ, उनके नहाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि एक ही बाथरूम थे और इतने सारे लोग थे तो इतने सारे लोगों में नहाने के लिए खाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया हमें निकलना था बहुत जल्दी बट थोड़ा सा टाइम हो गया इसी वजह से बहुत लेट निकले हम लोग और बस यहाँ से निकल चुके हैं जर्नी स्टार्ट हो गई है हमारी पूना टू अकोला आपको अगर याद है आप लोगों ने अगर निकलने का ब्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा कि हम लोग अकोला से ही निकले थे और ये जो ट्रैवलर हमने बुक की थी वो भी अकोला से ही बुक की तो हम जाने वाले थे अकोला सबसे पहले और हम लोग अमरावती से अकोला आए थे हमारी कार लेके और उसके बाद ट्रैवलर से हम लोग पुणे आए थे और पुणे से फिर भाई भाभी को लेके फिर हम लोग आ, मतलब हमारी कोकन की जर्नी स्टार्ट हो गई थी तो ऐसे हम लोगों ने किया था अगर आपने पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से देख लीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत मज़ा आएगा और हमने इस ट्रिप पर जैसे इन्जॉय किया आप लोग भी देख के एन्जॉय करने वाले हो तो जल्दी से अगर कोकन ब्लॉग नहीं देखे हैं सारी सीरीज़ नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए आप और हाँ अभी यहाँ से निकल चुके हैं आपको लास्ट पुना दिखा देती हूँ और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अकोला तो अकोला ना सबसे पहले हम लोग छोटी मासी के घर गए थे वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं कर पाई आने के टाइम तो बहुत कुछ शूट किया था उसके घर का बट आने के बाद हम लोग बस तुरंत सो गए थे इतनी ज़्यादा नींद थी आँखों में कि आपको क्या बताऊँ उसी की वजह से शायद हमारी तबीयत वगैरह खराब हो गई होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए थे एक्चुअली नींद ही पूरी नहीं हो रही थी हमारी और यहाँ पर हम लोग रुके थे एक होटल दिख गया था हमें रात को हम लोगों को खाना खाना था तो डिनर के लिए एक होटल दिख गया था तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे एक्चुअली सबका देखना पड़ता था इसी वजह से हम लोगों ने एक दो होटल छोड़ दिए बीच में और फिर ये होटल थोड़ा सा अच्छा लगा तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे वैसे यहाँ का खाना वगैरह भी अच्छा था मतलब टेस्ट अच्छी थी यहाँ की तो बस यहाँ पे खाना खाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे अकोला के लिए बने देवक देवकwidetilde पूजा करता है चल ये इकडे अद्विक अद्विक अरे बड़ा अद्विक दे रही है अभी ऑर्डर ये दूसरा एक्सपर्ट दे रहा है ऑर्डर बैठी ये महारानी बैठी है ये 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 दो एक्सपर्ट दे रहे हैं ऑर्डर क्या क्या है और दिखाइए हमें हो सर रोज पाइजे स्टार्ट क्या डेजर्टर

हम बस यहाँ पर आ गए हम लोग अकोला और हाँ अकोला से कौन कौन देख रहा है कमेंट करके जरूर बताना मुझे और पहचान लिया कि नहीं कौन सा रोड है ये भी बताना मुझे बस यहाँ से बड़ी मासी के घर जा रहे हैं हम लोग जिस मासी का बेटा हमारे साथ आया था वही वैभव के घर जा रहे हैं हम लोग यहाँ से बस वहाँ पर जाने के बाद ना मासी ने पूरा खाना बना के रखा था हमारे लिए मतलब जो बोलते हैं ना हमारी साइड में पावनजार करके तो वही किया था और मतलब पावनजार में जो मीठा वगैरह बनाया जाता है सब कुछ बनाया जाता है उसमें जो फुल थाली होती है वही बहुत सारा खाना बनाया था उसने जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पहले छोटी मासी के घर रुके थे बट वहाँ पर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग नींद भरी हुई थी आँखों में और इसी वजह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था बस सोने का मन कर रहा था इसी वजह से सो गए उसके बाद जैसे ही उठे फ्रेश हो गए और वैसे ही निकले बड़ी मासी के घर जाने के लिए तो बस बड़ी मासी के घर पहुँचने के बाद जो कुछ होगा वहाँ पर वो आपको दिखा दूँगी एक्चुअली बड़ी मासी ने ना सुबह ही कॉल किया था हम लोग नींद से भी नहीं उठे थे सुबह ही कॉल किया था कि यहाँ पर आना है आपको खाने के लिए तो हम लोग आ, फ्रेश होने के लिए ही इतना ज़्यादा हम लोगों ने टाइम ले लिया कि बस आ, वहाँ पर पोस्टेपल से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आ, अंकल मतलब ड्यूटी जाने वाले थे तो वो भी चले गए ड्यूटी और मतलब निकलने ही वाले थे तो एक्चुअली हम लोग पहले पहुँचते तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते बट उनके उनके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करना हुआ क्योंकि हम लोग इतने लेज़ी हो गए थे कि वहाँ से ही बहुत लेट निकलना हुआ और फिर पहुँचे वहाँ पर वासी के घर पर तो फिर अंकल रेडी होके ड्यूटी भी जाने वाले थे तो वो चले गए ड्यूटी तो बस यहाँ पर पहुँच गया है मासी के घर और हाँ ये जो मासी का बेटा दिख रहा है आपको वो भी एक ब्लॉगर है अभी अभी उसने एक चैनल स्टार्ट किया है व्लॉगिंग का पहले उसका वो म्यूज़िक का चैनल था वो भी है और एक ब्लॉगिंग का चैनल भी स्टार्ट किया है अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप में से कोई अगर हारमोनियम सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप उसका चैनल चेक कर सकते हो बहुत अच्छा हारमोनियम सिखाता है वो भी इजी वे में तो आप चेक कर सकते हो और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उसका लिंक दे दूंगी उसके चैनल का और उसका एक ब्लॉग चैनल भी है उसका भी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यहाँ पर मासी खाना बना रही थी और मासी ने इतना टेस्टी खाना बनाया था ना आपको क्या बताऊँ बस रोटियाँ बना रही थी लास्ट में और यहाँ पर ये बासुंदी बोलते हैं हमारे साइड में रबड़ी जो हिंदी में बोलते हैं उसे बासुंदी बोलते हैं तो बासुंदी बना के रखी थी उसके बाद ये बैगन की सब्जी इधर वहाँ पर दाल चावल है और रोटियाँ बना रही थी फिर उसके बाद पकोड़े वगैरह बनाए उसने और फिर सब कुछ तो मैंने ना पकोड़े और वही खाया सिर्फ बासुंदी और पकोड़े मतलब जो रबड़ी होती है वही और उसके बाद खाना ही नहीं खाया बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यार एक तो पेट भरा मतलब ऐसा लग रहा था कि पेट भरा हुआ ही है और उसके बाद मासी ने इतने प्यार से बनाया और वो भी मेरा फेवरेट तो mm -hmm. मैंने पकोड़े और सिर्फ वो रबड़ी खाई और उसके बाद कुछ नहीं खाना ही नहीं खाया था मैंने और यहाँ पर बैठे थे हम लोग भाई की शादी की वीडियो देखते क्योंकि मासी ने भी वीडियो नहीं देखी थी और कल्याणी ने भी वीडियो नहीं देखी थी तो इसी वजह से वो वीडियो लगा दी थी हम लोगों ने और वो वही देखना चल रहा है एक्चुअली मुझे तो नींद आ रही थी बट थोड़ी देर मैं सो भी गई थी जब तक मासी का थोड़ा सा वो पकोड़े वकोड़े बना रही थी तो और इधर ये भाई की शादी की वीडियो एंजॉय कर रहे थे सब लोग बस यहाँ पर वही चल रहा है एंजॉय चल रहा है मासी के घर आने के बाद बस यहाँ पर सब लोग खाने के लिए बैठ गए थे बस मैंने ही नहीं खाना खाया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी पकोड़े और रबड़ी बहुत ज़्यादा खा ली थी इसी वजह से और हाँ पिछली बार मामा की इंगेजमेंट में आई थी तो अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अगले बार जब आप को लाओगे तो हमें ज़रूर बताना बट इस बार आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा थके हुए हम लोग और ऐसे हालत में ना तो मैं किसी से मिल पाती और ना तो कुछ तो इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं बताया किसी को और बस अकोला में थोड़ी देर मतलब एक आधा दिन हम लोगों ने स्पेंड किया और उसके बाद हम लोग चले गए